अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बेरौनक और ड्राई एंड डैमेज हो चुके हैं तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आप अगर फिर से अपने बालों को सिल्की शाइनी और स्मूथ करना चाहते हैं, आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और इस रेमेडी को फॉलो करना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है और फिर आप मैजिक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी शमा किरण, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस मैजिकल रेमेडी को रेडी करने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पे लिया है एक क्लीन बाउल, और इसमें जो मैं अपना फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है जी योगर्ट यानी कि दही। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही बाउल में ऐड किया है। दही हमारे बालों को इस कदर मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, हमारे बालों को सिल्की स्मूथ करता है। तो फ्रेंड्स, सेकंड पे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्योर आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल हमारे बालों को इस कदर नरिश करता है और उनमें एक नई जान डाल देता है, उनको सिल्की एंड स्मूथ बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल। इससे पहले मैंने इसमें ऐड किया था 2 टेबल स्पून योगर्ट। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स, और अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने थर्ड इंग्रेडिएंट कौन सा ऐड करना है। तो जी, ये आपको मार्केट से इजीली हेयर कैप्सूल मिल जाते हैं, आपने ये कैप्सूल ले लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त है बालों को स्मूथ करने के लिए और बालों को सिल्की बनाने के लिए, बालों को इस कदर सॉफ्ट कर देते हैं कि आप खुद देखेंगे इसका मैजिक। तो फ्रेंड्स, ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाते हैं, किसी भी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप पे जाएं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें और उनसे जाके ये वाले कैप्सूल ले सकते हैं, हर कलर में अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से एक सीरम निकलता है जो कि हम इस रेमेडी में डालेंगे और फिर इसको हम लोग अपने हेयर्स पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कैप्सूल को मैंने सीजर की हेल्प से कट कर लिया था और इसके अंदर से जो सीरम निकला है वो मैंने इस बाउल में ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इस रेमेडी में 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। एक हमने हेयर सॉफ्टनिंग कैप्सूल ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें आलमंड ऑयल ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने जितनी शोल्डर लेंथ होती है इतनी लेंथ के लिए ये मास्क रेडी किया है। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर लाजमी हिट कर दें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करने से आपको मेरी फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे, और जल्दी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस हेयर पैक को किस तरह से अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। आपने इस मास्क को अपने स्कैल्प पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, आपने जब इसको अपने बालों पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने इसे 2 आवर्स के लिए छोड़ देना है, और 2 घंटे के बाद आपने अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लेना है। आप इस मास्क को वीक में 2 दफ़ा लास्ट में ट्राई करें जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हो चुके हैं। उसके बाद आप वीक में इसे 1 दफ़ा यूज़ करें, उसके बाद मैं कहती हूँ आपको महीने में 1 दफ़ा इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी, आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपने एक काम ज़रूर करना है, यूज़ करने के बाद आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में आके आपने ज़रूर बताना है कि आपको इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इस तरह दूसरे लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो भी इसे यूज़ करेंगे। तो जी, मिलूंगी मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपनी रखना है दुआओं में याद, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लास्ट में हिट कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।